अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम ड्राइंग में करेंगे ऑयल पेस्टल कलर। जब हम करते हैं ना तो उसकी मिक्सिंग जो हमेशा सही नहीं होती है, थोड़ा कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आज हम ऑयल पेस्टल कलर मिक्सिंग सीखेंगे। कलर मिक्सिंग सीखने के लिए अब हम कुछ भी बना लेते हैं। पहले पेपर पे स्केच पेन से हम ड्रॉ कर लेंगे। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। पेन से रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कुछ भी किसी भी तरह की लाइंस वगैरह अलग अलग कलर को हम अलग अलग जगह पे किस तरह करेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है और स्केच पेन से इसलिए ड्रॉ किया है ताकि तुमको कलर करने के बाद भी दिखाई दे कि हमारी लाइंस किधर है। ये हमारा ऑयल पेस्टल का 25 कलर का शेड है। जब हम किसी भी कलर को इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके शेड जो उसके हमको कलर करना है, जैसे कि मान लो हमको रेड ऑरेंज और येलो की मिक्सिंग करना है, तो वो हम लेंगे। कलर अगर गंदा हो गया है या दूसरा कलर लग गया है तो हम उसको टिश्यू से साफ करेंगे। अब वो कलर हम अपने आप पे लेंगे। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो डार्क टू लाइट और एक तो लाइट टू डार्क। दोनों तरीकों का जो मेथड है वो मैं तुमको अलग अलग जगह इसी में बता देती हूँ, जिसको जिस तरह कंफर्टेबल लगे वो उस तरह कर सकता है। पहले हम और जो शेप है उस शेप के साथ लाइन हमारे हाथ से, हाथ हमारा ऑयल पेस्टल का उस शेप के साथ चलेगा। हमको बहुत ऐसे नहीं पकड़ना है और ऐसे ऐसे हल्के नहीं करना है, बल्कि हमको इसको कलर को थोड़ा ये हमने लाइट कर लिया। ये दो मेथड मैं तुमको बता रही हूँ, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क। फिर उसको एकदम प्लेन स्ट्रेट लाइन नहीं लेंगे, थोड़ी सी जिगजैग लेंगे। यहाँ पर दोनों रंगों का जहां पर मिल रहे हैं, फिर इन दोनों में जो लाइट है उस कलर को हम दोनों कलर्स के जॉइंट्स जहां पर दोनों रंग अलग हुए थे वहां पर हम मिक्स करेंगे, तो ये हमारा मिक्सअप अच्छे से हो जाएगा। फिर जो हमारा डार्क कलर है उसको हम लेंगे। दोनों रंगों में जो लाइट कलर है वो रंग उसके जॉइंट पे करेंगे। ये हमारा एक कलर की शेडिंग हो गई। अब इसी कलर को दूसरे मेथड से, यानी ये हमने लाइट टू डार्क किया, अब हम डार्क टू लाइट करके दूसरी जगह देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट आता है। अब इस कलर में हमको डार्क टू लाइट करना है, तो हम पहले डार्क कलर ले रहे हैं, वो हमने पहले लाइट लिया था, अब ये हम डार्क ले रहे हैं। जो लाइन का शेप है पहले उस लाइन के शेप पे से ले लेंगे। फिर उसमें जो लाइट कलर है वो हम लेंगे।
बाहर जो लाइन है उस पे हम बराबर शेप, लाइन टू लाइन शेप लेके करेंगे और दोनों रंगों के ज्वाइंट पे कलर करेंगे। अब हमारा लाइट कलर आया, इस लाइट कलर को पहले हम बॉर्डर लाइन पे शेप जो है वहां देंगे और इसको ये हमारा हो गया डार्क टू लाइट। अब ये दोनों रंग तुम्हारे सामने हैं, तुमको जो कंफर्टेबल लगता है उस तरह से तुम कर सकते हो, यानी लाइट टू डार्क कर सकते हो या डार्क टू लाइट कर सकते हो। अब उसके बाद ज्यादातर लोग जो है डार्क टू लाइट करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें ना कलर मिक्स करने में ज्यादा आसानी रहती है। अब इसके बाद हम कोई दूसरा कलर जैसे ग्रीन का शेड लेंगे, ग्रीन की शेड के लिए एक तो लाइट मीडियम डार्क ये ग्रीन ले सकते हैं और उसके अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट करने के लिए हम येलो का, क्योंकि जो दो रंगों से हमारा कलर बनता है जैसे कि येलो और ब्लू, ये कलर से हमारा क्या कलर बनता है, कौन सा बनता है, ग्रीन कलर बनता है। तो ये दो रंग जिससे बनते हैं उसका डार्क शेड डार्क करने के लिए और लाइट शेड लाइट करने के लिए ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट करने के लिए येलो का यूज करेंगे हम। चलो येलो से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ दो मेथड बताए हैं, दोनों मेथड में से जिसको जैसे जमता है वो कलर यूज कर सकता है। लाइट कलर दोनों के ज्वाइंट पे, फिर इन दोनों में जो लाइट है वो उसके ज्वाइंट पे, और जहां पर हमको एक्स्ट्रा डार्क करना है वहां हम हल्का सा ब्लू का टच करेंगे। और ग्रीन में उसको मिक्स कर लेंगे, पता नहीं चलेगा कि वो वहां पर हमने ब्लू यूज किया है। ये इस तरह हमारा ये इसका शेड आ गया ग्रीन का। अब इसके बाद जो हम ब्राउन कलर लेते हैं, लाइट वाले कलर से उसको मिक्स करेंगे और फिर एक्स्ट्रा डार्क करने के लिए हमारा डार्क ब्राउन। जो हमारा मीडियम अगर कहीं लाइट हो गया है तो हम उसको उसके ऊपर से थोड़ा सा टचअप कर सकते हैं, लेकिन एक बार कलर हो जाने के बाद उसका दूसरा शेड उसके ऊपर नहीं बैठता है, इसका ध्यान रखना।
ये पर्पल के लिए लेंगे हम, यानी वॉयलेट। हर कलर के 3 शेड हमारे पास मौजूद हैं। ये हमको लाइन जिगजैग में लेनी है, एकदम स्ट्रेट प्लेन नहीं लेंगे वरना वो मिक्स नहीं होगा अच्छे से। फिर दोनों में जो लाइट है उससे हम इस तरह मिक्स करेंगे। इसके बाद ब्लू के जो शेड है वो हम ले सकते हैं। कम जगह है तो हम 2 शेड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम कलर जो है लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट लेते जाएंगे। अब इसके बाद इसको मिक्स करने के 2 और भी तरीके हैं, मैं इसके ऊपर ही दिखा देती हूँ। कुछ तो मिक्स अगर बराबर से ये कलर से मिक्सिंग है, दूसरा हम इसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, ये हाथ से मिक्सिंग कर सकते हैं किसी भी कलर के लिए। और तीसरा है टिश्यू पेपर से, उसको सॉफ्ट शेडिंग कर सकते हैं इस तरह। और किसी चीज को लाइट करना हो अगर, तो हम पहले एकदम स्टार्टिंग में उस पर वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में बहुत थोड़ा कम हल्का आता है लेकिन उसको भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह टिश्यू से, फिंगर से, कलर से हम अपनी ड्राइंग को कलर मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह ऑयल पेस्टल के सारे शेड, डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क जो भी है, उसी शेड के जो बॉक्स में 3 कलर हैं उसी को इस तरह मिक्स करके हम करेंगे। इसको कलर से ये मिक्सिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा और इजी है। टिश्यू से कर सकते हैं, थोड़ा कहीं पर हमको सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए तो उसको हम हाथ से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइट कहीं पर भी हमको कलर के लिए चाहिए तो हम थोड़ा सा वाइट लेकिन पहले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह हमारी ये ड्राइंग कंप्लीट हुई है, आप देख सकते हैं। बच्चों इसी तरह जहां पर हमको जो कलर चाहिए वो कलर हमको 3 शेड लेना है और उसको मिक्स करते हुए करते जाना है। और सारे कलर हमारा नेचुरल सीन है या कुछ भी हम बना रहे हैं 5 to 8 की क्लासेस में, जब हम सीखते हैं, जब हम सीख चुके हैं कोई सीन कर रहे हैं तो भी हमको हर ऑयल पेस्टल को इसी तरह यूज़ करना है।